şekilde.
अत्रैव विराजमान परमादरणीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री पितृचरण दादाजी के युगल चरणारविंद में दंडवत करता हूँ एवं परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण उपस्थित आचार्य परिवारगण एवं समुपस्थित श्रीमद् भागवत का बड़ी निष्ठा से पारायण कर रहे थोड़ी इफेक्ट कम करो आवाज बाउंस हो रही है श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे उपस्थित सर्व आदरणीय भूदेवगण एवं महद्भाग्यशाली परमात्मीय जिनको शिवल्लभ की कृपा से यह क्षणभंगुर जीवन में दूसरी बार भगवद कथा का आयोजन करने के लिए निमित्त बनाया निमित्त बने ऐसे हमारे परम प्रिय आत्मीय नीरज जी दीपक जी उनके माता जी परिवार सभी सदस्यगण जिनको दूसरी बार ऐसा मौका मिला कि वो निमित्त बने वो ठाकुर जी की कृपा है और वो भी ब्रजभूमि में कुछ वर्ष पूर्व मुझे स्मरण हो रहा है यहीं ब्रज में और तरेटी में उस समय गंगाधाम धर्मशाला में वहीं पे उनके सभी परिवार के सदस्य गण आए हुए थे वो कथा के निमित्त बने तब भी 7 दिन खूब आनंद किया तो वही ब्रजभूमि है वही मनोरथी हैं मैं भी वही हूँ गर्मी भी वैसी है क्योंकि उस समय भी जून का महीना था पर आनंद अधिक है कारण क्योंकि ये परम पावन परम पुनित पुरुषोत्तम मास अधिक मास तो एक तो ये कारण और एक पूरा परिवार बड़ा आनंद है कि आदरणीय पितृचरण मातृचरण भातृचरण सभी पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है हमारे ठाकुर जी पधारे हैं और तो और दूर दूर से सभी आत्मीय प्रिय वैष्णव हमारे इस यात्रा में जुड़े हुए हैं तो एक विशिष्ट आनंद है अधिक आनंद है तो उपस्थित मनोरथी परिवार गण एवं इसके अलावा कई ऐसे भी यहां पे उपस्थित हैं जिन्होंने अपने शहर अपने गांव में हमें बुलाया और भागवत का आयोजन किया मनोरथी बने ऐसे कई मनोरथी गण भी यहाँ पे उपस्थित हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मुझे ध्यान में है
जहाँ जमा जहाँ हमारी भारत में कथाएं हुई, ज्यादातर सभी मनोरथी यहाँ पे इस कथा में उपस्थित हैं। फिर सहारनपुर के हों या हमारे कलकत्ता से हों या राजकोट के हों या ठिकरिया के हों या वापी ग्वालियर के हों अहमदाबाद के हों या हमारे सूरत के हों या कितने नाम बोलूं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे वो सब परिवार भी यहाँ पे उपस्थित है तो मुझे विशिष्ट आनंद है। और तो और उनके साथ साथ भविष्य में कथाएं जो होने वाली हैं उसके भी मनोरथी यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे हमारे खरगोन वाले आए हुए हैं यहाँ पे, जो अक्टूबर में सोमनाथ में कथा होनी है और लगभग 1000-1200 जितने वैष्णव वो पूरे तामझाम पूरे वैष्णव वृंद को लेकर खरगोन आसपास के सभी सोमनाथ जाएंगे और वहाँ कथा करेंगे, तो वो भी उनका ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है। और उसके साथ साथ और भी कई ऐसे हैं जिनके मनोरथ यहाँ पे बनने वाले हैं। तो बड़ा आनंद का अवसर है कि ये परम पावन पुरुषोत्तम अधिक मास में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए इस महोत्सव श्री ब्रज रसानंद महोत्सव जिस महोत्सव अंतर्गत आप जानते हैं यात्रा बैठक जी में झारी चरण स्पर्श दंडवत विसल बज रही है, साथ में भागवत सत्संग, साथ में श्री प्रभु के सुंदर मनोरथों के दर्शन, तो एक सुंदर अवसर हम सबको शिवल्लभ की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास